गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन टू वाट आई विल टीच टूडे. टूडे आई विल टीच यूनिट ऑफ लाइफ द पार्ट न्यूक्लियस. तो आज हम लोग लेसन नंबर फोर्थ यूनिट ऑफ लाइफ में सेल का पार्ट न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे. तो आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज न्यूक्लियस. जो सेल में सेंट्रल पार्ट होता है, इस फिलकर पार्ट, आप लोग ने सेल को देखा होगा, वही सेंट्रल पार्ट. दिस सेंट्रल पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस. इस सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था. कौन डिस्कवर किया था? तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने. हर नया न्यूक्लियस, न्यू न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय ओल्ड न्यूक्लियस. न्यू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन ओल्ड न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है. मतलब न्यू न्यूक्लियस इज फाउंड बाय ओल्ड न्यूक्लियस. सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल. सेल में जितनी भी एक्टिविटी होती है सबका कंट्रोल न्यूक्लियस के द्वारा होता है. इसलिए न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. अब कह रहा है कि इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट इज नोन एज न्यूक्लियट्स. जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है. मींस न्यूक्लियस के प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के जो चारों ओर सराउंडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट नहीं रहती है, जिससे न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट मटेरियल है उस पूरे सेल में चारों ओर स्कैटर रहता है. सो दिस न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लॉयड. तो ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लॉयड बोलते हैं. नेक्स्ट नंबर में हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 5 μm to 30 μm. न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो कितना होता है? 5 μm to 30 μm. द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज स्फेरिकल. न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो क्या होता है? स्फेरिकल होता है. ओवल, इलांगेटेड, एटीसी. तो न्यूक्लियस का शेप किस तरह का होता है? स्फेरिकल होता है, ओवल होता है, इलांगेटेड होता है. क्लियर? व्हेन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन वन सेल इज कॉल्ड मोनो न्यूक्लियट. कारण कि यदि एक न्यूक्लियस, एक सेल में यदि एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो उसको मोनो न्यूक्लियट बोलते हैं. व्हेन मोर न्यूक्लियस प्रेजेंट इन वन सेल इज कॉल पॉली न्यूक्लियट. यदि एक सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है उसको पॉली न्यूक्लियट बोलते हैं. न्यूक्लियस कंपोज्ड प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, डीएनए एंड आरएनए. जो न्यूक्लियस होता है बना होता है, कंपोज होता है किस किस के द्वारा? प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, डीएनए एंड आरएनए से. न्यूक्लियस इज मेड बाय 4 पार्ट. न्यूक्लियस का फॉर्मेशन 4 पार्ट से होता है. कौन कौन पार्ट है भाई? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड पार्ट न्यूक्लियस एंड फोर्थ पार्ट क्रोमेटिन थ्रेड. तो ये टोटल जो न्यूक्लियस है स्ट्रक्चरली 4 पार्ट से फॉर्म है. ठीक है ना? यहाँ की ये इंडिकेट किया गया है कौन कौन पार्ट है भाई, एक बार फिर से देखते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन थ्रेड. तो आइए हम देखते हैं इन 4 पार्ट का सीरियल वाइज से स्टडी करेंगे कि क्या होता है. तो फर्स्ट पार्ट है
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होते हैं भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? तो इट इज मेड बाई डबल मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस के बाहर की मेम्ब्रेन होती है, चारों ओर से जो उसको कंसिस्ट हुई है, वो डबल मेम्ब्रेन से फॉर्म होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये जो है दो पार्ट से बनी हुई है, आउटर एंड इनर। ध्यान में रहा है, ये यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और कितने पार्ट से बनी हुई है? टू पार्ट्स, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ध्यान देते हैं कौन कौन पार्ट्स बनी है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। कह रहा है कि बिटवीन टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में अ स्पेस इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन सेवरल पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। देखिए यहाँ पर ये और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर होते हैं, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियो पोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो पोर। राइबोसोम पास थ्रू दिस पोर, राइबोसोम इस पोर से पास होते हैं। बिलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अ प्रोटीन नेटवर्क प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर लेमिला। बिलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ठीक भीतर प्रोटीन से बना हुआ एक पार्ट होता है जो कि वर्क करता है न्यूक्लियर लेमिना का। ठीक है, इसी ऑर्डर में हम देखते हैं। कह रहा है कि न्यूक्लियर लेमिना हेल्प इन ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियर के चारों ओर कवर पार्ट है, ठीक ना, उसको हेल्प करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर लेमिला हेल्प इन ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस को कवर करने वाला जो एनवेलप है उसके ग्रोथ में ये हेल्प करता है। न्यूक्लियर लेमिना हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ क्रोमेटिन क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसी ऑर्डर में सेकेंड पार्ट है न्यूक्लियो प्लाज्म। क्या है भाई? तो इट वाज डिस्कवर्ड बाई स्ट्रासबर्गर। इसकी डिस्कवरी, सेकेंड पार्ट जो है न्यूक्लियोप्लाज्म का डिस्कवरी स्ट्रासबर्गर ने किया था। क्या बताया था? कि न्यूक्लियोप्लाज्म इज ट्रांसपेरेंट ग्रेनुल सबस्टांस फिल्ड इन न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म इज ट्रांसपेरेंट ग्रेनुलर स्टेंड फिल्ड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पूरी तरह से न्यूक्लियस में भरा हुआ यह ट्रांसपेरेंट ग्रेनुलस और सबस्टांस होता है। क्लियर। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन, क्या क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड, डीएनए, पॉलीमर्स एंड आरएनए पॉलीमर्स। तो ये जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है किस नेचर का होता है भाई? तो न्यूक्लियोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट होता है, ग्रेनुलस होता है, ठीक, और पूरे न्यूक्लियस में फिलअप होता है। क्या किन किन पार्टों से फॉर्म होता है न्यूक्लियोप्लाज्म? क्या कंटेन करता है भाई? न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, डीएनए पॉलीमर एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। दो एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कंटेन करता है।
प्रोटीन प्रोटीन भी कंटेन करता है, मिनरल्स Mg प्लस Ca प्लस ETC, ये सब जो है इन सब चीज़ों से फॉर्म है, कौन सा? न्यूक्लियो प्लाज्म, ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट हमारा है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस का थर्ड पार्ट न्यूक्लियोलस है। क्या करें भाई, फर्स्ट में कि न्यूक्लियोलस वाज डिस्कवर्ड बाई फंटाना, इसकी डिस्कवरी फंटाना ने किया था, किसकी? न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने किया था? फंटाना ने किया था। एंड नेम्ड गिवेन बाई बोमैन, डिस्कवरी तो फंटाना ने किया था, इसका नेम जो है कि न्यूक्लियोलस कौन रखा? बोमैन ने रख दिया। न्यूक्लियोलस इज मेम्ब्रेन लेस, इसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस होता है, एंड कंटेन डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन। न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन लेस होता है, इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, और क्या क्या कंटेन करता है भाई? तो डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन। वन न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इन वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस में लगभग एक न्यूक्लियोलस होता है, बट जो ऑनियंस की सेल न्यूक्लियस होता है उसमें मोर देन वन न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है। इस तरह से जो है कि एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलस होता है, बट ओनियन का जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है उसमें मोर देन वन न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है, ठीक ना। तो इसी ऑर्डर में हम देखते हैं, कह रहा है कि न्यूक्लियोलस मेड बाई थ्री पार्ट, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन थ्री पार्ट से होता है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं फाइब्रिलर पार्ट, सेकेंड को ग्रेनुलर पार्ट, एंड थर्ड को पार्स एमॉर्फा। तो कितने पार्ट से फॉर्म है भाई न्यूक्लियस? थ्री पार्ट, फाइब्रिलर पार्ट, ग्रेनुलर पार्ट एंड पार्स एमॉर्फा। अब देखते हैं फाइब्रिलर पार्ट क्या है। तो फाइब्रिलर पार्ट इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिल्स, यह फाइब्रिल्स कंसिस्ट करता है, फाइब्रिल्स से मेड होता है, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिल्स मेड ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, इसके जो फाइब्रिल्स होते हैं जिससे बना होता है वो किससे बना होता है भाई? केमिकल से। तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है जो फाइब्रिलर पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिल्स, फाइब्रिल्स से फॉर्म होता है, और इसमें केमिकल कौन सा होता है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। सेकेंड पार्ट जो होता है ग्रेनुलर पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेनुल्स, ये किससे फॉर्म होता है? ग्रेनुल्स मेड ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ये भी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से ग्रेनुलर पार्ट भी बना होता है। थर्ड है पार्स एमॉर्फा, इट इज मैट्रिक्स पार्ट, ये क्या होता है? ये मैट्रिक्स पार्ट होता है इन विच फाइब्रिल्स एंड ग्रेनुल्स प्रेजेंट, इसमें फाइब्रिल्स और ग्रेनुल्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं। अब फंक्शन क्या है भाई न्यूक्लियस का? इन विच आरआरएनए सिंथेसाइज्ड, तो इसमें मतलब न्यूक्लियस में आरआरएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट है हमारा क्रोमेटिन नेट, जो न्यूक्लियस का जो फोर्थ पार्ट है क्रोमेटिन नेट, इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग, इसकी डिस्कवरी किसने किया था भाई? तो फ्लेमिंग ने किया था। इट इज मेड बाय थ्रेड विच कैन बी स्ट्रेंड बाय बेसिक स्ट्रेंथ, जो कि बेसिक स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन के समय दिस नेट कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, यह नेट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। क्रोमेटिन कंटेन क्रोमेटिन टू पार्ट से बना होता है, यूरोक्रोमेटिन
एंड हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक ना, ध्यान दीजिए, क्रोमेटिन कंटेन टू पार्ट्स, यूरोक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। फर्स्ट पार्ट जो होता है यूरोक्रोमेटिन, इट इज लाइट स्ट्रैंडेड पार्ट, यह हल्का होता है, स्ट्रैंडेड पार्ट होता है। इट इज जेनेटिकली एक्टिव, ये जेनेटिकली एक्टिव होता है, हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। इट इज डार्कली स्ट्रैंडेड, ये डार्कली स्ट्रैंडेड होता है पार्ट। इट इज नॉन एक्टिव, ये एक्टिव नहीं होता है, और इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ट्रांसक्रिप्शन, और ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प नहीं करता है। तो इस तरह से हमने स्टडी किया न्यूक्लियस, ठीक ना, और न्यूक्लियस के फोर पार्ट के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में, ठीक ना। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और आप लोगों को इस वीडियो को स्टडी कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों को इसे शेयर कीजिए, ठीक ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।